वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपसे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एसे शेयर किए जा रहे हैं। और ये जितने भी एसे आपसे शेयर किए जा रहे हैं, ये सिंध बोर्ड यानी कि कराची बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उनके सिलेबस के मुताबिक हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको गाइड भी किया जाएगा कि किस तरीके से आपने एसे की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, यानी कि एक कंपैरिजन बताना होगा आपने स्कूल लाइफ के दरमियान और जो कॉलेज लाइफ है, इन दोनों लाइफ के दरमियान आप कंपैरिजन बताएंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों लाइफ को। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका पहला साल होता है कॉलेज का, और उन्होंने जो है वो अपनी स्कूल लाइफ जो है वो कंप्लीट कर ली होती है, उसके बाद उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और ये कॉलेज लाइफ या तो सेकेंड ईयर में ही ख़त्म हो जाती है ऐसे स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी कॉलेज लाइफ ग्रेजुएशन तक रहती है, वो ग्रेजुएशन भी अपना कॉलेज से करते हैं। तो उसके ऊपर आपने कंपैरिजन करना है। उसके बाद ये कि न्यू एंड ओल्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, अब आज के दौर में जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है मॉडर्न दौर के अंदर, तो पहले के दौर में अगर हम एंशियंट दौर को देखते हैं तो एंशियंट दौर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी। आज के दौर के अंदर अब इंटरनेट भी है, इसके अलावा टेलीफोन भी है। जारी बात है टेलीफोन तो खराब थोड़ा यूज़ उसका कम हो चुका है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन भी है जो कि अब स्मार्टफोन उसकी एक लेटेस्ट फॉर्म है। और पहले के दौर में जिस तरह कम्युनिकेशन होती थी वो बिल्कुल अलग तरीके होता था, उसके अंदर इवन के जारी बात है बर्ड्स का भी यूज़ किया जाता था। तो न्यू एंड ओल्ड मेथड जो है कम्युनिकेशन के, वो आपने जो है वो उनके बारे में लिखना होगा, इसकी आपने प्रिपरेशन करनी होगी कि पहले के दौर में किस तरीके से की जाती थी कम्युनिकेशन और आज के दौर में किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से चेंज आया है और किस तरीके से अब आसानी भी होती जा रही है कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद ये कि इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक, जो फेसबुक का इम्पैक्ट है या फिर सोशल मीडिया का भी हम कह सकते हैं अगर आता है, तो फिर आप अगर फेसबुक की प्रिपरेशन करते हैं तो सोशल मीडिया के बारे में भी कर सकते हैं। ऑन लर्निंग एंड टीचिंग, सो लर्निंग और टीचिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है, जो असर डाला है फेसबुक ने, उसके बारे में आपने लिखना है कि क्या क्या असर पड़ा लर्निंग के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी। और ज़्यादातर लोग तो जाहिर बात है फेसबुक यूज़ करते ही हैं या फिर कोई दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी, तो इसी चीज़ के हवाले से आपने जो है वो पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है और डिस्कस करना होगा। और उसके बाद ये कि फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट, अब पाकिस्तान के अंदर वैसे तो क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फुटबॉल में भी इंटरेस्ट रखते हैं और फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट भी अब डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान की टीम इतनी ज़्यादा आगे नहीं है फुटबॉल के अंदर, लेकिन तब भी लोगों का जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा क्रिकेट तो खैर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट को हम कह सकते हैं कि है। सो इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन भी जारी बातें करना है। और जारी बातें क्रिकेट एक अलग तरीके का गेम है और फुटबॉल एक अलग तरीके का गेम है, दोनों ही जारी बातें काफ़ी उनमें डिफ्रेंसेस हैं, तो इस हवाले से कंपैरिजन करना है आपने। और इसके अलावा डिफरेंट फॉर्मेट्स भी इसमें आप बता सकते हैं कि क्रिकेट में जिस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, ODI हो गया, और इसके अलावा T20 हो गया, और इस तरह लीग्स भी उसका भी बताया जा सकता है। इस तरह फुटबॉल के अंदर की अगर हम बात करें, लीग्स फुटबॉल के अंदर भी होती है, सो डिफरेंट लीग्स के बारे में जो है फुटबॉल के अंदर बताया जा सकता है, बल्कि क्रिकेट से ज़्यादा बड़ी लीग्स जो है वो फुटबॉल के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से, और फुटबॉल जाहिर बात है दुनिया का सबसे बड़ा गेम है, सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो फुटबॉल के अंदर है, क्योंकि फुटबॉल जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर है और उसका जो वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि क्रिकेट का ऐसा मामला नहीं है। है तो क्रिकेट भी जाहिर बात है दुनिया के बड़े गेम्स में से एक, लेकिन क्रिकेट के अंदर इतने ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हैं जितने फुटबॉल के अंदर हैं, बहुत कम कंट्रीज़ हैं क्रिकेट के अंदर फुटबॉल के मुकाबले में। उसके बाद है फिर के फिज़िकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। फिज़िकल क्लासेस जो कि ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही जारी बात है अभी तक फिज़िकल क्लासेस को ही लोग प्रेफर भी देते हैं या फिर मतलब समझते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे कोविड के बाद लोगों को इंट्रोड्यूस हुई, अगर हम कहें तो इसमें गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोगों को कोविड के दौरान ही अंदाज़ा हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो एक मॉडर्न फॉर्म है क्लासेस की। और आज के दौर के अंदर जहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही है और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत के अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो एक कंपैरिजन आपने इसके ऊपर देना है कि किस तरीके से पहले के दौर के अंदर फिज़िकल क्लासेस थी, तो अब आज के दौर के अंदर जो है वो
ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज़्यादा अहम हो गई हैं और किस तरीके से कोविड जैसे दौर में, मतलब जो कोविड का पीरियड था उस वक्त किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स का जो एक तरह से हम कह सकते हैं टाइम वगैरह सेव हुआ और फ्यूचर एक तरह से सेव किया। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ या जिन इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं की तो वहाँ स्टूडेंट्स का किस तरीके से साल भी बर्बाद हुए और किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी थी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी इजी रहा। स्टूडेंट्स ने अपने घर से ही क्लासेस दी, इवन के एग्ज़ाम्स तक भी ऑनलाइन हुए कुछ इंस्टीट्यूट में। स्पेशली अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में भी थी जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी हुई और इवन के एग्ज़ाम भी हुआ। उसके बाद है फिर कि फिज़िकल गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स। सो जो फिज़िकल गेम्स हैं और ऑनलाइन गेम हैं, फिज़िकल गेम्स तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ऐसा गेम जिसमें जारी बात है फिज़िकली तौर पर पार्टिसिपेट किया जाता है उनको हम फिज़िकल गेम कह सकते हैं। क्रिकेट वगैरह भी उसमें आ सकता है इस तरह से, और भी बहुत से गेम्स आ जाते हैं जो लोग जारी बात है नॉर्मली तौर पर या तो वो घर से बाहर खेलेंगे या किसी ग्राउंड में खेलेंगे फिज़िकल गेम के लिए, और उसके लिए एक काफ़ी स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है। फिज़िकल गेम्स के लिए स्पेस भी रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं होता कि इंसान घर के अंदर किसी एक कमरे के अंदर खेल लें। और इसके मुकाबले में हम ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो ये भी एक तरह की मॉडर्न फॉर्म ही है जिसके अंदर लोग सर्वर्स के जरिए इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होते हैं। एक शख्स अगर एक जगह बैठा हुआ है, एक कंट्री के अंदर भी बैठा हुआ, तो वो दूसरे कंट्री के साथ भी जारी बात है वो गेम खेल सकता है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। फिज़िकल गेम में दोनों की जारी बात है दोनों कॉम्पिटिटर का सेम जगह पे होना ज़रूरी है, जबकि ऑनलाइन गेम के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिज़िकल गेम जारी बात है फिटनेस के लिए और ह्यूमन जो हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर हम ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो ऑनलाइन गेम भी काफ़ी हद तक इसके भी फायदे हो सकते हैं स्ट्रेटजी वगैरह के लिए। जो है जारी बात है जब गेम खेलते हैं तो उससे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को सीखा जाता है और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से समझा जाए। उसके बाद है फिर कि हेल्थी लाइफ स्टाइल, उसके अंदर जो हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में लिखना है कि एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है जारी बात है किस हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो कि हेल्थी नहीं है तो वो अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहे होते हैं और किस तरीके से उनको कोई भी वो काम करते हैं चाहे वो प्रोफेशनली हो या इवन के स्टडी भी करते हैं, तो उनको किस हद तक जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। और हेल्थ इज़ वेल्थ जारी बात है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हेल्थ होती है तो इंसान के लिए फिर वेल्थ कमाना भी आसान होता है, और हेल्थ ही देखा जाए तो असल वेल्थ है क्योंकि हेल्थ है तो आपके पास आप इंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ होती है तो इंसान के पास वेल्थ को भी अर्न कर सकता है, पैसा भी अर्न कर सकता है और साथ में वो इंजॉय भी कर सकता है। अदरवाइज अगर हेल्थ ही नहीं है तो इंसान इंजॉय ही नहीं कर सकता। अगर उसके पास फैसिलिटीज भी होंगी तो उसके लिए इंजॉय करना भी जाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।